पूछना भूल गई. आई एम श्योर इट्स इन द माइंड ऑफ एवरीबॉडी हियर. वेयर इज मिस्टर माही? मिस्टर माही मिसेस माही को छोड़ के चले गए. नहीं, छोड़ के नहीं गए, वो इनफैक्ट यहाँ आना चाह रहे थे. मैं अकेले कैसे बैठूँ? आप खड़े रहेंगे तो मैं भी खड़े रहूँगी. मिस्टर माही को एक्चुअली हम बनारस में थे, वाराणसी में थे, और वहाँ हमने फिल्म की प्रमोशन की और वो वहाँ एक्चुअली दूसरी फिल्म की शूट भी कर रहे हैं. तो अब उनका आना जाना होगा प्रमोशंस में. जो भी सिटीज में जा रही वो कोशिश ज़रूर करेंगे क्योंकि वो वहाँ यहाँ रहना. इनफैक्ट वो कल इतने सैड हो गए थे, कह रहे थे कि एक अच्छी फिल्म को प्रमोट करने का मज़ा ही अलग है. ये जो जोश आप अंदर से महसूस करते हो, सो ही रियली वॉन्ट टू बी हियर बट ही हैज़ गॉट हिज फिल्म कमिटमेंट्स. उनके बिहाफ में मैं डबल एनर्जी लेकर आई हूँ आप लोगों को से मिलने और बातचीत करने. And we're all too excited about it, yeah. We heard aapne kal, in fact, maine to reel bhi dekha, which is going viral. You were in Varanasi for promoting your movie. So how was your experience, you know, doing Ganga Aarti and having that paan? We all just loved it. It was beautiful. Actually, मेरा ये मानना है कि बहुत ही शुभ नोट पर हमारा प्रमोशन टूर शुरू हुआ है. बहुत टाइम से, आई थिंक बचपन से वाराणसी से एक अलग टाइप का फैसिनेशन था. इतनी ऐतिहासिक जगह है, इतना कल्चर है, वहाँ की ऊर्जा इतनी खूबसूरत है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमने हमारी फिल्म की प्रमोशन वहाँ से शुरू की, गंगा. That's what my next question was, but I think I already got the answer that you started your promotion with Varanasi. So what was the particular reason about it? And I think we are good to go. I mean, honestly, it was the reason was because Raj वहाँ शूट कर रहे थे, but I think you know that there was a divine plan because we couldn't have asked for a better way to start promotions with the Ganga Aarti. I think exactly. It really set us off on the right note. All right, everybody, I think we're good to go and let's start with a Q&A session. The media has been very, very excited to be asking you questions and I'm sure they're all prepared. But you guys, just one thing, I would request you all to kindly stick to the film and before asking questions, please raise your hands. Thank you. Thank you, Jan. Hi, Janvi. I'm Divya from ANI. Nice to meet you. नहीं रहने दीजिए, लोग इमेजिन करेंगे कि राज बैठा है. अरे अरे अरे. चलो चलो रहने. छोड़ो छोड़ो छोड़ो. Congratulations for Mr. and Mrs. Bhai, first of all. Thank you. And my question is that you said that you had to go a rigorous strength training for this role. So I want to ask you, can you please elaborate, was there any specific diet plan or any workout regimen that you have to follow, and was there and how did you make time for skincare routine, and how did you maintain that radiant glow despite that intense schedule? I wasn't very radiant or glowing very much when I was shooting this film. So मैंने जब ये फिल्म की शूट शुरू की थी, प्रेपरेशन जब शुरू की थी, मैं उस वक्त आई थिंक गुड लक जरी को प्रमोट कर रही थी, बवाल शूट कर रही थी, या नहीं मिली के आसपास के टाइम का था. एंड आई वॉज अबाउट 8-9 किलोज हैवियर एंड शरण वॉज वेरी स्ट्रेस्ड बिकॉज ही केप्ट सेइंग यू डोंट लुक लाइक अ क्रिकेटर. एंड इफ यू रियली वांट टू डू दिस फिल्म यू नीड टू स्टार्ट लूजिंग वेट, यू नीड टू स्टार्ट ट्रेनिंग इन क्रिकेट. तो मेरा डेली रूटीन ऐसे ही था. एट द पीक ऑफ माई ट्रेनिंग मेरे जो कोच थे अभिषेक नायक, वो कह रहे थे कि जिस तरह की ट्रेनिंग आपके साथ की गई है, हमारे आईपीएल प्लेयर्स के साथ भी नहीं की जाती उतना इंटेंस था. सो आई यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू गो टू नियर अहेड ऑफ पवई, देयर इज अ स्पेस कॉल्ड भांडो. आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन द नेट्स विद सम ऑफ हिज केकेआर प्लेयर्स हू ही जस्ट रिसेंटली रिक्रूटेड. तो 2 घंटे वहाँ नेट प्रैक्टिस होती थी, फिर मैं बांद्रा आती थी, वहाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता था, कंडीशनिंग होता था, कार्डियो होता था. तो ये तकरीबन 1 घंटे तक चलता था. फिर मैं मीटिंग्स करती थी, अगर कोई शूट होता था तो मैं शूट के लिए जाती थी. फिर पैकअप के बाद मैं वापस बांद्रा के किसी ग्राउंड में 2 घंटे और प्रैक्टिस करती थी. तो या इट वॉज एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग एवरी डे.
I was following a very low carb diet, and I was shooting simultaneously for other things, and my other directors and producers would get very upset because I'd keep losing weight and I'd keep, I guess, looking a little tired. Like, I remember I went for one schedule of Bawal, and Nitesh sir looked at me and he's like, "Ye meri nisha nahi hai. Kahan chale gayi? Tum to aadhi ho gayi ho." And I was shooting, I shot 2-3 days of Devra as well, and even there they were like, "You're not like looking, you're not glowing like you were in the look test, you're looking a little tired." And that was just during the course of this film, and I think it went on for a while, but I'm feeling like myself a little bit. And of course, injuries kafi the, kafi lamba process raha hai is film ke shoot ka. I wish you all the very best for Mr. and Mrs. Nair. Thank you. She's already asked you a question about your physical endurance. What about your mental preparation? Because I think that the game is more mental than physical, right? Definitely. And you know, the physical prep takes a toll mentally, especially when you're juggling a million other things with it. I think every time I realized how much cricket meant to my director and the vision that he had, I felt an immense amount of pressure to deliver. And yeah, juggling my other roles and still trying to look a certain way while keeping up with the prep was quite intense. And more than that, I don't know if I've said this before, I think I have, but even the character of Mahima that I'm playing, while Sharan was writing the film, we were interacting quite a bit, so a lot of it was, I wouldn't say borrowed, but very closely related to a phase in my life. And then when we got to shooting the film, I had gotten over that phase and become a very different person. So it was weird for me emotionally to look back at the girl that I was and try to relate to her and play her and understand her and sympathize with her, because you end up judging the character so much and you end up judging the person that you were so much. So I guess that was the emotional tone. Hi, Janvi. I'm Kanak from KM Hindi News. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जब इस फिल्म को कर रहे थे तो राजकुमार राव के साथ आपका फिल्म करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कोई एक 5 मिनट का जो आपका लाइफ टाइम वो फीवर कि मुझे एक पार्ट याद रहेगा हमेशा राजकुमार के साथ काम करने का? ये हमारी दूसरी फिल्म है साथ में. पहली फिल्म हमने की थी रूही, और उस फिल्म के दौरान हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा, और हम एक दूसरे को वो, क्योंकि मैं एक भूतनी थी उस फिल्म में, तो मैं बस आवाज़ें निकाल रही थी और बस डर रहे थे मेरे से, और हम बातचीत करते रहे उस सेट पर भी कि काश हमें मौका मिले कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे बड़े बड़े ड्रामे वाले सीन्स करें, झगड़े करें, रोमांस करें, कॉमेडी करें. तो वो पूरा फिल्म हमने मिस्टर एंड मिसेस मानी में निकाल दिया, एंड इट वॉज ग्रेट. आई डोंट थिंक I could have asked for a better partner on this journey. हमने यहाँ लिखा है imperfectly perfect partnership, लेकिन मेरा ये मानना है कि me and Raj together were the perfectly perfect partnership. वो जिस तरह से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर cast member, हर technician को set पे support करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, और वो इतना मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं अपने कला से, फिल्म मेकिंग से, कि सबको उनको देख के दे यूज टू फील एनर्जाइज कि नहीं हमें भी हमारा बेस्ट देना. सो या हाय जानवी. हाय मैं जितेंद्र शर्मा फ्रॉम दैनिक भास्कर. जानवी पूछना चाहता हूँ कि आज दिल्ली में आपकी एंट्री ने पहले तो तापमान बढ़ा दिया है आपकी हॉट होटल में, और भारतीय परंपरा की साड़ी में तो आप वाकई कमाल लग रही है. अब आते हैं प्रश्न की ओर. जानवी, आपने ये माही मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म की, तो ये फिल्म क्या मैसेज देना चाहती है समाज के अंदर, आपको क्या लगता है? बहुत सारे मैसेजेस हैं. इनफैक्ट मैंने और राज ने, हम स्क्रिप्ट सुनते ही फिल्म पर इस तरह ऐसे कूद गए, क्योंकि ये फिल्म के जो उसूल है, जो ये फिल्म कहना चाह रही है, वो हमारे उसूलों से इतनी मिलती जुलती है, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है. ये फिल्म है सिर्फ क्रिकेट के बारे में तो बिल्कुल नहीं है. ये फिल्म है सपनों के बारे में, सबसे ज़्यादा सपनों के बारे में है. इतनी बार होता है लाइफ में कि आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि आपको वो जो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है आपके फैमिली से, आपके नज़दीकी लोगों से, वो नहीं मिलती है. तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास जो जिसकी ज़रूरत पड़ती है किसी भी सपने को पूरा करने के लिए, वो नहीं होती है. तो ये फिल्म उन लोगों के बारे में है जिनको हिम्मत नहीं मिली कि वो अपने सपनों के पीछे भागें. उन लोगों के बारे में भी है जो कि अपने
पार्टनर्स या दोस्त या फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करते हैं उस जर्नी में, उस अनुभव में। और ये फिल्म है पति पत्नी के बारे में, कैसे उनके बीच में प्यार है, अरेंज मैरिज में कैसे आप एक दूसरे को डिस्कवर जानने लगते हैं शादी के बाद, प्यार करने लगते हैं। तो ये उन रिश्तों के बारे में है, बाप बेटे के रिश्ते के बारे में है। आई थिंक आप जितने भी बड़े हो जाए, वो पापा का वैलिडेशन हमेशा मायने रखता है, हमेशा एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है। तो ये फिल्म इन सारे चीज़ों के बारे में, और कैसे हम इस दौर में फेम के पीछे कितने पागल हुए हुए हैं, वैलिडेशन, इंस्टेंट वैलिडेशन के पीछे इतने दीवाने हैं, तो वो हमारे मानसिक स्थिति तो स्थिति को कैसे अफेक्ट करता है, ये इन सारे चीज़ों के बारे में है ये फिल्म। Hi, Jandi. I'm Durga from IMS. Hi. You're remarkable, by the way. You know, the film's much more about what you just spoken about. It's about, I mean, the characters start on a very beautiful note. They discover and rediscover themselves. But they hit a, you know, a rocky patch. Would you say that, you know, sometimes overambition and passion can cause friction in a relationship? And what, according to you, would be like a red flag in a relationship, because considering what happened between the two of them with Rajkumar's dream and everything? I definitely think when you have anyone in your life that doesn't encourage you to follow your dreams, that is a red flag. I found in my personal life, when I'm surrounded by people that believe in me, that helps me believe in myself. And I've seen a change in my personality once I've made the shift in the kind of people I surround myself with. I remember there was a phase where I felt like I deserved to be surrounded by people who were constantly questioning me and doubting me and didn't think very much of me, because in my head I was like, no, they're keeping me grounded, they're giving me a reality check, because I'm so scared of becoming delusional. But once you're around people who think the best of you, who say, no, you can do it, you have no idea what you're capable of. And this is very different than someone who's sucking up to you. That forces you to look at yourself in a better light. And I think especially as women, we aren't encouraged enough to be ambitious. I think ambition is kind of looked down at. And, you know, because we're expected to be these sacrificial, maternal, nurturing figures all the time, which is very important and very important to me too. I aspire for that kind of, to be capable of that kind of love. But ambition is equally important for me. So I'm hoping it will get to a point where a woman isn't judged for her ambition or for her choice to just want to nurture. Yeah, I think I digressed from your question, but I got a little impassioned about what I was saying, so I hope you don't mind. Hi, Jandi, this is Ashima from Delhi, Jandi. First of all, the perfect attire for promoting. Am I overdoing it? I want to ask you all. मैं कुछ ज़्यादा कर रही हूँ क्या? Rose cricket पहन के आ जाती हूँ. तभी ये बहुत अच्छी लगी है साड़ी आप पे. ये फिल्म astrology के बारे में थोड़ा सा है कि starting में बोलते हैं कि आपकी you know कुंडली भी मिल गई है. तो कितना real life में astrology को मानते हो, और अगर जानवी को partner ढूंढना होगा तो क्या checklist होगी आपकी? आई थिंक हम सब ने कभी ना कभी जिंदगी में तो किया ही है कि यू नो यू गो ऑन अ डेट एंड द फर्स्ट थिंग यू डू इज चेक योर ज़ोडियाक साइन कंपैटिबिलिटी. हूज़ डन इट ओवर कम? आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स. एंड देन आई देयर सो मेनी अमेजिंग एप्स दैट शो के टुडे व्हाट योर मैच परसेंटेजेस एंड दिस एंड दैट. सो या आई डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी अ लॉट, बट नॉट टू लाइक अ क्रिपलिंग एक्सटेंट वेयर मैं मतलब इंसान से बात करना बंद कर लो अगर हमारा ज़ोडियाक साइन नाश ना हो, ये सब नहीं करते हैं. Hi, Jani ma'am, this is Khushi. So, I miss my sister. Thank you so much. So, ma'am, could you please share with us the most challenging aspect of portraying Mahima's journey from a doctor to a cricketer? The most challenging aspect. I need to understand the frame of mind of someone who, because doctor banna aasan to nahi hota hai, there's so many years of education and hard work that go into, you need to commit yourself to that lifestyle. Aise nahi ki upar upar se ha main bas kuch chota mota kar rahi hu, it's a full on commitment. So to understand how Mahima as a girl who's committed so many years and hours to becoming a doctor decides to give that up, what makes her do that, how important cricket was to her beforehand for her to make that switch, I think understanding that was very important for me.
And yeah, as far as the cricket part goes, I think definitely, for me personally, shooting through the injuries was very difficult. Last question. Hi, Kalvi. From EMB Network. Ma'am, मैंने जैसे देखा है कि आपकी उस फिल्म में क्रिकेट मिस कर रहे हैं. आपका इंडियन क्रिकेट टीम में फेवरेट प्लेयर कौन सा है और क्यों? धोनी. धोनी. और मुझे रीजन देने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सब लोग समझ जाएंगे. आई थिंक ही इज एवरीवन्स फेवरेट. मुझे मज़ा उस सेट पे आता है क्योंकि जिस प्यार से वो लोग अपने काम को निभाते हैं, करते हैं, जिस पैशन के साथ वो लोग काम करते हैं, और उनकी स्टोरी टेलिंग इतनी खूबसूरत होती है, जो कन्विक्शन के साथ वो लोग हर कहानी को दर्शाते हैं, एक अलग ही मिजाज, जज्बा, तेवर होता है इनकी फिल्मों में. और मैं बहुत अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला है. Okay, Thank you.